हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी लोग एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इनटेक 2024 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया वाला नोटिफिकेशन कब तक आप सभी को ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा, इसका फॉर्म कौन से डेट से स्टार्ट होने वाला है और इस बार की इनटेक के लिए एज लिमिट डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या रहने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, खासतौर पर वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन पिछले रिजल्ट में नहीं हुआ है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, मैंने पिछले साल के कुछ एनालिसिस कर रखा है और इस एनालिसिस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि इस बार का नोटिफिकेशन आपका कब देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, यहां पर जो इनटेक 1/2023 है, इसका नोटिफिकेशन आपका 3 नवंबर 2022 को आया था और 18 जनवरी को एग्जाम हुआ और 15 फरवरी को रिजल्ट आ गया। इसके अलावा दोस्तों, आप देखोगे तो नोटिफिकेशन जिस दिन भी आता है उससे कुछ समय पहले ही वायरल आपका होने लगता है नोटिफिकेशन इधर उधर यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि लगभग 5 दिनों के पहले ही आपका नोटिफिकेशन वायरल हो चुका था। वही दूसरे इंटेक की मैं बात करूँ तो 15 फरवरी को रिजल्ट आया था इधर, और इसके जस्ट एक महीने के बाद 17 मार्च से आप सभी के फिर से नए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और इसका जो नोटिफिकेशन है वो वायरल हुआ था 24 फरवरी को, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 20 दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका रिजल्ट आया 15 जून 2023 को और रिजल्ट आने की जस्ट 35 से 40 दिनों के बाद फिर से 27 जुलाई 2023 से आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। और ये वाला जो वैकेंसी था 27 जुलाई से जिसका फॉर्म स्टार्ट हुआ, तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पर वायरल हो चुका था 10 जुलाई 2023 को ही। यहाँ पर दोस्तों, आपका एग्जाम समाप्त हुए जाकर के 9 नवंबर 2023 को रिजल्ट आ गया। 13 अक्टूबर से इसका एग्जाम स्टार्ट था। तो अब अगर 9 नवंबर को रिजल्ट आया है तो इसके एक महीने के बाद, यानी कि दोस्तों जो नया वाला नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कब, 15 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में। इसी में से किसी भी एक डेट से आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अगर 15 से 20 दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है तो जो वायरल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो आपको यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट पर दिसंबर के पहले वीक में देखने को मिल जाएगा। और जो इसका एग्जाम है वो फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में होगा और मार्च के 3rd या 4th वीक तक आप सभी के रिटर्न रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर आप कभी भी इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो और 15 दिसंबर के बाद से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस नई इंटेक में एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए, इसके पहले के जो आपके 3 इंटेक हुए थे, इसमें देखोगे तो पहला इंटेक में 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 था। फिर इसके बाद अगले इंटेक में क्या हुआ, पूरे 6 महीने इंक्रीज करके डेट ऑफ बर्थ को 26 दिसंबर 2002 से करके 26 जून 2006 तक रख दिया गया। और फिर इसके बाद इंटेक 1/2024 में भी टोटल 6 महीने का यहाँ पर गैप देखने को मिला और जो 26 दिसंबर डेट था वो हो गया कितना, 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006। तो अगले इंटेक यानी कि 1/2024 के लिए अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप इसमें 6 मंथ ऐड कर लो और 6 मंथ ऐड करने के बाद जो आपका अगला एज लिमिट रहने वाला है इंटेक 2/2024 के लिए वो रहेगा 26 दिसंबर 2003 से लेकर के 26 जून 2007। तो जिन कैंडिडेट का भी इन दोनों डेट्स के बीच में एज लिमिट है अभी, आप सभी लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा और 2 महीने के अंदर आप सभी के रिटर्न एग्जाम करवा लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस बार आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगा, 5000 से प्लस आना तो कन्फर्म है। जहां तक एक्सपेक्टेड लग रहा है 6000 के करीब में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जबकि पिछले सालों तक क्या होता था कि लगभग 3000 से लेकर के 3500 तक सीट देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आपके सीट डबल हो चुके हैं, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा यहाँ पर रहेंगे। तो आप सभी लोग अपनी मेहनत को भी यहाँ पर आप डबल कर दो। तो गाइज, ये था आपका न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके अलावा दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा जिनका भी यहाँ पर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से आप वो गलती मत करना जो आपने पिछले इंटेक में किया होगा कि पहले नोटिफिकेशन आ जाना जाने दो, फिर इसके बाद आप फॉर्म फिल करने का वेट करोगे और जब फॉर्म फिल कर देते हो तब आप अपनी पूरी तैयारी में लगते हो। तो अगर आप फिर से इसी गलती को दोहराओगे तो इस बार भी आपका सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखो कंपटीशन काफी ज्यादा है और पढ़ने वाले कैंडिडेट कभी बैठे नहीं रहते, वे ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। सो आप सभी लोग भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको एक अलग अलग वीडियो बनाकर रागा और इंग्लिश दोनों का ऑफिशियल सिलेबस कवर करवा दूंगा। इसके अलावा मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पीडीएफ शेयर करते रहता हूँ। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।